हेलो फ्रेंड्स यार, सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज आई है 10th क्लास के बच्चों के लिए, 2020 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आप लोग इस न्यूज को सुनोगे तो आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा भाई। बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है। अगर आपने साल भर भी कुछ भी नहीं पढ़ा ना अपने एग्जाम में, तब भी इस न्यूज को पढ़ लो, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्या है न्यूज। सो माई नेम इज हर्ष थापर एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वट इज द न्यूज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स 2020 बोर्ड एग्जाम। सो लेट स्टार्ट भाई। न्यूज क्या है, बिल्कुल अच्छे से समझना चीजों को। आप लोग एक बार में इस चीज को समझ जाओगे। चीज ये है भाई, एज पर पास क्राइटेरिया फॉर 10th स्टूडेंट्स हैव टू ऑब्टेन ओवरऑल 33% मार्क्स। भाई बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि अगर हमारे स्कूल में मार्क्स कम आ रहे हैं और बोर्ड में नंबर अच्छा आ गए तो कहीं हम पास होंगे या फेल होंगे। भाई एक चीज याद रखो, आप लोगों को 33 मार्क्स लाने हैं हर एक सब्जेक्ट में, बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, दोनों को मिला के 33 नंबर लाने हैं, अलग अलग नहीं लाने। यानी कि अगर आप लोगों ने सपोज स्कूल में अच्छा स्कोर नहीं किया, आप लोग स्कूल में जीरो स्कोर करे हो, सपोज टू भी आपने जीरो स्कोर किया स्कूल में और बोर्ड में आप 80 में से 80 स्कोर कर देते हो, अगर आप बोर्ड में 80 में से 80 स्कोर कर देते हो तो आप लोगों का ओवरऑल स्कोर हो जाएगा 80। भाई ओवरऑल स्कोर हो जाएगा 80 और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर रहता है, आप लोगों को डिस्टिंक्शन मिल जाएगी। तो भाई आप लोगों को स्कूल में अलग से पास होने की नीड नहीं है। अगर आप लोगों ने साल भर कुछ नहीं किया, आप लोग एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, ठीक है, लेकिन आप लोगों का बोर्ड एग्जाम की बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इफ यू स्कोर लेस मार्क्स इन स्कूल एग्जाम्स देन डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू हैव 80 मार्क्स बोर्ड एग्जाम, फोकस ऑन इट। भाई चीजों को समझो, आप लोगों के पास बोर्ड एग्जाम पड़ा है 80 मार्क्स का, आप लोगों के स्कूल में क्या हुआ है, कितने आपने पाप किए हैं उसको हमें कुछ लेन देना नहीं है। अगर आप लोगों के 20 में से 20 है ठीक है, अगर 20 में से कम भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है यार, 20 नंबर है ना स्कूल से, बस स्कूल से 20 नंबर मिल रहे हैं और बोर्ड की तरफ से आपको मिलेंगे 80 मार्क्स। और अच्छी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आपको स्कूल में भी पास होना है, ये वाली चीज में पास होना जरूरी है। अगर आप लोगों के नंबर कम भी है तब भी डिसअपॉइंट होने की नीड नहीं है, 80 मार्क्स एग्जाम तो पढ़ा है और अलग से पास भी नहीं होना। सपोज आप लोग बोर्ड में 80 में से अगर 80 नहीं ला पाए, 70 भी ले आए, तब भी भाई अच्छे नंबर है अगर आप लोग के स्कूल में मार्क्स कम है। और अगर आप लोग सपोज टू भी स्कूल में 20 मार्क्स ले आते हो, 20 में से 20 आप लोग ले आते हो और बोर्ड में 70 ले आते हो, तो भाई आप लोग के 90 मार्क्स ऐसे ही बन जाते हैं। यार अगर मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, आप लोगों के स्कूल में मार्क्स कम आ रहे हैं, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होना, बोर्ड एग्जाम के लिए फोकस करो, 80 मार्क्स पड़े हैं आप लोगों के लिए। और अच्छी बात ये, सपोज अगर आप लोगों के, चलो ठीक है, आप लोगों के स्कूल में 15 नंबर आ गए, स्कूल में 15 नंबर ले आए, अब बोर्ड में कितने नंबर लाने पास होने के लिए, बस 18 नंबर लाने पास होने के लिए बोर्ड में आप लोग पास हो जाओगे, क्योंकि आप लोगों को ओवरऑल 33% ही लानी है एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए। तो भाई बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, अच्छे से पढ़ लो, अगर स्कूल में अच्छे एग्जाम नहीं हुए तो बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। आई होप आप लोगों को न्यूज समझ आ गई है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, आप लोग लिए मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा। तब तक के लिए भाई चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। बहुत ही अच्छे से पढ़ना बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू।